एक बार मैं चाहता हूँ कि इनके लिए ताली बजानी चाहिए, इन्होंने एक अच्छा एग्जांपल दिया। इन्होंने एक सेकंड सर सर सर, अब मेरे को अपने वक्तव्य तो पूरा करने दीजिए। आपने एक अच्छा एग्जांपल दिया, आपने बोला कि आपकी तीन बेटियां हैं, किसी की भी शादी 25 साल की उम्र से कम नहीं हुई, यही आपने बोला। लेकिन आप ही की पार्टी के सांसद, लड़कियों की शादी की उम्र 16 साल हो जानी चाहिए, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ने से अवारगी बढ़ेगी, शफीकुर्रहमान बर्क और एसटी हसन, आपकी पार्टी के सांसद और एक एक विधायक ने तो ऐसी बात बोली जो बात सुनने के बाद रूह कांप जाए। आप मुझे बताइए, आप अपनी बच्चों को तो 25 साल के बाद ब्याहना चाहते हैं, लेकिन गरीब परिवार की बच्चियों की शादी चाहते हैं 16 साल की उम्र में हो जाए, ये किस तरह की कुंठित मानसिकता है? जो आप क्या अब कह रहे हैं, यही बात मैं कहना चाहता था, इसका सीधा संबंध अशिक्षा और गरीबी से है। जो संपन्न परिवार तो आपके सांसद अशिक्षित है, जो पढ़े लिखे परिवार हैं उनमें कोई भी जल्दी शादी नहीं करता। आपके सांसद अशिक्षित है, आप उलझाने के बजाय राजनीतिक सवाल पूछने की बात, राजनीतिक निशाना साधने के, राजनीतिक निशाना नहीं, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अशिक्षित क्या आपके सांसद अशिक्षित है? क्या राजकुमार भाटिया ऑन रिकॉर्ड आप ये कह रहे हैं शफीकुर्रहमान बर्क एसटी हसन ये अशिक्षित लोग हैं, ये अनएजुकेटेड लोग हैं, जिस तरह की घिनौनी बातें कर रहे हैं, अब वो आदमी अशिक्षित है? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, देश की बेटियों का विषय है, देश के भविष्य का विषय है। मैं इन बच्चियों के साथ कराऊं, मैं उन बच्चियों के साथ कराऊं जो पढ़ाई नहीं कर पाती, मैं उन परिवारों के साथ कराऊं जो अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन आपकी पार्टी के सांसद कहते हैं 16 साल की उम्र में शादी कर देनी चाहिए, नहीं तो बच्चियां आवारा हो जाएंगी, और आप कहते हैं कि मैं अपनी बच्ची की शादी 25 साल की उम्र में करता हूं। आप मुझे बताइए, आपकी पार्टी का सांसद अनपढ़ है, अशिक्षित है, क्या है? आप राजनीतिक बात कर रहे हैं, मैं एक जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं, मैं नैतिक बात कर रहा हूं। नहीं, बच्चों का सम्मान मिलेगा इससे, बीजेपी का सम्मान बढ़ेगा, आपका सम्मान नहीं बढ़ेगा। जब मैंने ये कह दिया, सुनिए, जब मैंने ये कह दिया, मैं और मेरी पार्टी बेटियों को पूरी आजादी देने के पक्ष में, आपके पांच पांच नेता, कोई व्यक्ति अगर इस लाइन के खिलाफ बोलता है, नेता क्या कह रहे हैं आपके, कोई व्यक्ति अगर इस पार्टी लाइन के खिलाफ बोलता है तो उससे जवाब मांगिए, आप उससे जवाब मांगिए। वाह, अब अगर मैं इस तूतू में मैं उलझूंगा तो भारतीय जनता पार्टी के 10 नेताओं के इतने गंदे बयान में बता दूंगा। बताइए, जिम्मेदार पदों पर बैठे, अभी पकड़ेंगे, जिम्मेदार पदों पर बैठे अभी पकड़ेंगे बीजेपी वालों को, बताइए इसी मंच पे, बताइए, मैं माइक लेकर डबल आ जाता हूँ, बोले बताइए, भारतीय जनता पार्टी के लोग, बताइए, पहली बात तो किसने बोला कि 18 से कम उम्र 16 होनी चाहिए, किसने 18 की उम्र का विरोध किया? अगर आप इसे राजनीतिक मुद्दे पर लाना चाहते हैं, तो मैं आपने बोला तो मैं बताता हूं, बोला बोले नाम बताइए, तो मैं बताता हूं, नाम बताइए। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह समझना पड़ेगा कि बेटियों को शिक्षा के अवसर खोलने पड़ेंगे, उन्हें रोजगार के अवसर देने पड़ेंगे, उन्हें सम्मान देना पड़ेगा। ठीक है, इन लोगों के दिल में जरा भी सम्मान बेटियों के लिए नहीं है। मैं 10 उदाहरण दे सकता हूं। दिल्ली में यही सफूरा जरगर का केस आपने सुना, इन्होंने क्या क्या गंदी भाषा उस बेटी के लिए नहीं बोली। वो एक जिम्मेदार बेटी है, शिक्षित बेटी है। आप चले जाइए, अब आप देखिए, ये यही तो समस्या है कराएंगे आपकी, यही तो समस्या के बारे में क्या बोला, आपको विषय से मतलब नहीं है, काम कर रही थी और क्या बात कर रहे हो, आपको विषय से मतलब नहीं है, क्या सवाल की बात है, आप इस पर नहीं बोलेंगे। ओके, सुधांशु चतुर्वेदी जवाब। किसी नेता ने कभी नहीं बोला कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। अब मैं एक और बात कहता हूँ, जिन्होंने शिक्षा की बात कही, देखिये यहाँ सब युवा बच्चे बैठे हैं, इस देश में सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ है, किस राज्य में है? केरल। केरल का मल्लापुरम जिला जाके चेक कर लीजिए, 98-99% वहां साक्षरता दर है। और वहां की जिला पंचायत ने 2013 के अंत में प्रस्ताव पारित कर दिया कि चूंकि 75% मुसलमान हो गए हैं तो इसलिए शादी की उम्र 18 से घटा के 16 कर दी जाए। और वहां कांग्रेस की सरकार थी, यूडीएफ एसटी हसन कह रहे हैं, और उसने, सुनिए तो, और उस कांग्रेस की सरकार ने उसको वो कर दिया, वेट कर दिया कि हां कर दी जाए। उसके बाद हम लोगों ने विरोध किया, कोर्ट में गए, कोई नहीं बोला सेक्युलरिज्म का सूरमा। सबसे पढ़ा लिखा जो क्षेत्र है वहां पे, सबसे पढ़े लिखे जिले में वहां 98-99% साक्षरता है। फिर जब कोर्ट में गए, बवाल मचा, तब सरकार ने वापस दिया। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी अप्रैल मई 2014 की है। अब बताइए क्या पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना है? आपने विरोध किया था मल्लापुरम की घटना का, हिंदू मुसलमान भाजपा करना है, राजनीतिक लाभ लेना है, बेटियों को सशक्त करना विषय नहीं है। ठीक है, मकसद ये नहीं है। मैं ठीक है, सुबोई खान, हिंदू मुसलमान करना है, राजनीतिक लाभ लेना है, आपका क्या विचार है? ये तो सुधांशु जी ने किया आपके सामने अभी। अरे भाई, मैंने तो आपको सबसे शिक्षित प्रांत का उदाहरण दिया, आपने उस पे कुछ नहीं बोला। पब्लिक अगर मुस्लिम बाहुल जिले से पारित हुआ है तो कुछ नहीं बोलना। ठीक है, सुबोई खान बोली। अमीश, देखिए, कानून में संशोधन होना पार्लियामेंट के थ्रू एक वैधानिक संवैधानिक प्रक्रिया है।
मुझे ये समझ नहीं आता है कि सत्ता के लालच में ये लोग इतने अंधे क्यों हो गए हैं कि हर चीज का विरोध करके देश के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, ये लोग बच्चियों के समाज के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये कोई आज नहीं आया कानून। देखिए प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का कानून ऑलरेडी है, सिर्फ उसमें जो चाइल्ड की परिभाषा है उसको डिफाइन करने की बात हो रही है कि आप डिफाइन करिए, वो सभी को मानना पड़ेगा, हिंदूज को, क्रिश्चियंस को, मुस्लिम्स को, पारसीज को, इवन स्पेशल मैरिज एक्ट को वो ओवरराइड करेगा। लेकिन एक ही संप्रदाय को बुरा लगता है, जैसे बहुत अच्छा बोला सुधांशु त्रिवेदी जी ने कि तालिबान के तलबगानों को ही क्यों बुरा लग रहा है, उसके दो कारण है अमीश। पहला कारण कि ये लोग शरिया लॉ चाहते हैं जिसमें 10 साल से 14 साल तक की बच्ची के साथ आप शादी कर सकते हैं, महिलाओं को कमोडिटी की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। दूसरा कारण ये भारत का कोई कानून मानना ही नहीं चाहते, इनको पैरेलल लॉ चाहिए, पैरेलल जुडिशरी चाहिए, पैरेलल इकोनॉमी चाहिए। ना संविधान मानेंगे, ना पार्लियामेंट ना मानेंगे, ना कानून मानेंगे। ये द्विराष्ट्रवाद नहीं है तो क्या है? ये इस्लामिक स्टेट की ओर बढ़ते हुए कदम नहीं है तो क्या है? साजिद रशीदी, एक कहावत है, जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी? जवाब दीजिए। इनको सुनाइए, बोलिए, आप बोलिए, ये इनको सुनाइए ना। आपको क्या लगता है 18 साल की उम्र में राजी तो फिर ये 21 को ला रहे हैं? पूछिए इनसे, आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, आप इनसे पूछ तो लीजिए पहले। आपने कहा लड़का लड़की राजी, क्या करेगा काजी? ये काजी क्यों बनने? अरे भैया ये सुनिए, काजी में सारे लड़के राजी होते हैं। पूछो कि लड़की तो चार बीबियों में से एक बनने को तैयार है, मगर काजी बनवा देता है। आप ही के सवाल बोलिए, जो सवाल इनको करना था इनसे करना था, मुझसे कर रहे हैं आप, क्या करेगा काजी? भाई साहब देखिए, बात सुनिए, बहुत अच्छी बात राजकुमार भाई खान कह रही है कि इस्लामिक स्टेट बनाना चाह रहे हैं क्या आप लोग? अपनी अपनी सोच है। जब सुधांशु जी इसको हिंदू राष्ट्र बनाना कह सकते हैं, सोच सकते हैं, तो एक मुसलमान अगर ये कह दे कि भाई ये इस्लामिक, कहां बोला सुधांशु त्रिवेदी ने हिंदू राष्ट्र? मोहन भागवत रोजाना बयान देते हैं। कब बोला? आपको नहीं पता हिंदू राष्ट्र का बयान कब दिया मोहन भागवत? बिल्कुल नहीं पता, निकाल के दिखाइए। देश का हर नागरिक हिंदू है, मोहन भागवत का बयान नहीं है इसमें? कौन सी बात? एक मिनट, मोहन भागवत का बयान नहीं है? हर नागरिक मुझे डीएनए है और हिंदू राष्ट्र में जमीन आसमान का फर्क है। यस या नो? डीएनए है और हिंदू राष्ट्र में जमीन आसमान का फर्क है। जो मैं कह रहा हूँ, देखिए, जो विषय है, हर नागरिक हिंदू है, मोहन भागवत का बयान है कि नहीं है? यस या नो? देश के हर नागरिक का डीएनए हिंदू है और हिंदू राष्ट्र में फर्क होता है, जो मेरे एक बात नहीं होती। नहीं, ऐसा है, डीएनए सिर्फ हिंदू होता, मुसलमान नहीं होता है। क्यों? जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़िए, उसमें पेज नंबर 74 पर उन्होंने लिखा, जहां हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ वो इस भारत यानी अखंड भारत जो था, इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए है, इसको किसी अन्य अर्थ में प्रयोग करना गलत है। तो इस क्षेत्र में जो रहते थे सबका डीएनए एक है। मुस्लिम जो है, मुस्लिम डीएनए नहीं होता, क्योंकि अफ्रीका का डीएनए अलग है, यूरोप का मजहब अलग है, सऊदी अरब का मजहब अलग है। हिंदू कोई धर्म है? कोई धर्म नहीं है साहब, ये तो वे ऑफ लाइफ है। कहां से हिंदू है? तो कह रहे हैं आपका धर्म हिंदू है, मजहब मुसलमान। अरे अरे क्या बात कर रहे हैं, बह गए आपको मैं चुनौती देता हूँ, बह गए। रिलीजन इस देश के अंदर राम मंदिर बनता है, राम मंदिर जाके तोड़ूंगा। हमें अफसोस होता है, हमें अफसोस होता है। ये बात क्या, आप हिंदू नहीं है? बोला सच्चाई के साथ, इस्लामी ने तालिबान को हिंदू साबित नहीं कर सकते। इस्लामी बड़ा क्यों नहीं कर सकते? आप अपने आप को हिंदू साबित नहीं कर सकते। मुनव्वर राणा ने बोला, आप अपने आप को हिंदू साबित नहीं कर सकते। बोला आप।